नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं मंचा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। बता दूं कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में फिलहाल गाने का भी काफ़ी क्रेज़ है, फिल्मों का भी क्रेज़ है, थोड़ी फिल्में के क्रेज़ कम है, साउथ की बॉलीवुड की पिक्चरें नज़र आ रही है क्योंकि सब बड़े बजट की है। लेकिन चलिए आपको हम थोड़ा यूट्यूब की ट्रेंडिंग लिस्ट में घुमा कर लाते हैं कि आज भोजपुरी की कौन कौन सी ऐसे गाने हैं जो वहाँ कब्जा जमा कर रखी है भोजपुरी में। फिलहाल भोजपुरी के गानों का क्रेज़ आपको यूट्यूब की ट्रेंडिंग लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर खोलने के साथ ही आपको अगर बात कर ले पवन सिंह जी की, सलीम सुलेमान क्रिएशन के साथ साथ आदि याद आती नहीं, वो नज़र आ रही है, तीसरे नंबर पर काबिज़ है। वहीं तो अगर थोड़ा नीचे जाएंगे तो अनु दुबे की 1.25 लाख के साड़ी भीजे, यह सॉन्ग भी आपको लुभाती हुई ट्रेंडिंग लिस्ट में नज़र आ रही है, भोजपुरी का गौरव बढ़ाती हुई ट्रेंडिंग नंबर 10वें पे शुमार है। थोड़ा नीचे जाएंगे तो हाल ही में अभी टी सीरीज पर लॉन्ग लाची रिलीज हुई थी अक्षरा सिंह जी की, और यह गाना काफ़ी प्यारा है। इससे पहले भी हमने उसको बात कर ले पंजाबी सिंगर के आवाज़ में सुना था, तो वो गाने काफ़ी प्यारे पसंद किए गए थे। और फिलहाल लॉन्ग लाची टी सीरीज पर रिलीज की गई थी सॉन्ग को, तो 23वें नंबर पर ट्रेंडिंग में बनी हुई है। ऐसे में फिलहाल अगर बात कर ले तो भोजपुरी के 3 गाने हैं। सबसे पहले अगर बात कर ले पवन सिंह जी की याद आती नहीं, सलीम सुलेमान क्रिएशन है। थोड़े नीचे आएंगे तो आपको अनु दुबे छठ गीतों के साथ पारंपरिक सॉन्ग है वह नज़र आ रहा है। थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको अक्षरा सिंह जी लॉन्ग लाची से लुभाती हुई अभी कह सकते हैं लव रोमांस के ऊपर यह सॉन्ग है जो आपको ट्रेंडिंग लिस्ट में बनी हुई है। अगर बात कर ले थोड़ा भोजपुरी गानों की तो भोजपुरी गानों का क्रेज़ काफ़ी है। हिट मशीन के कभी कभी 5-6 गाने ट्रेंडिंग में रहते हैं, तो फिलहाल अभी उनको कोई जगह नहीं मिली है। पवन सिंह जी का फलाना व फरार वैली काफ़ी दिनों तक ट्रेंडिंग लिस्ट में रहा, और अभी फ़िलहाल उनके एक हाल ही में रिलीज याद आती नहीं वह ट्रेंडिंग में बनी हुई है। तो ऐसे में भोजपुरी के गानों का जो क्रेज़ है वो काफ़ी है। साथ ही अगर बात कर ले तो इस वक्त IPL सीज़न भी शुरू है, टाटा IPL, जिसकी वजह से थोड़े बहुत कहीं ना कहीं फैंस का जो झुकाव है वह क्रिकेटों के प्रति है, क्योंकि सट्टेबाजों का जो दौर होता है वह IPL में देखने को मिलता है। ऐसे में अगर भोजपुरी की बात कर ले भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ की, तो फिल्में भी काफ़ी कम अभी इस वक्त ब्रेक की जा रही है थिएटरों में, क्योंकि बहुत सारे पिक्चरें बनकर तैयार हैं लेकिन थिएटरों में इस वक्त इसलिए जगह नहीं मिल पा रही है क्योंकि बॉलीवुड और साथ ही साउथ की बड़ी बड़ी फिल्में इस वक्त बैक टू बैक रिलीज होने को तैयार हैं। 14 अप्रैल से अगर बात कर ले तो KGF चैप्टर 2 रिलीज हो रही है, साथ ही जर्सी रिलीज हो रही है। ऐसे में तमाम जो बड़ी पिक्चर है वह नज़र आने वाली है आपको। बिहार ऑल इंडिया कह सकते हैं, सिर्फ बिहार की बात नहीं कर सकते, ऑल इंडिया में इन सारी पिक्चरों का जो क्रेज़ है वह नज़र आने वाला, वर्ल्ड वाइड कह सकते हैं। तो ऐसे में जो चीज़ें हैं भोजपुरी की वह आपको फिलहाल अभी 2-3 ही गाने हैं वैसे ट्रेंडिंग लिस्ट में बनी हुई है। लेकिन अपडेट मैं बड़ी आपको दे दूँ कि हाल ही में 2-3 दिनों के अंदर आपको पवन सिंह जी के बड़ी सॉन्ग चैता सॉन्ग है वह रिलीज होगी। खेसारी लाल जी के 2-3 गाने हैं, साथ ही अरमानिया और बात करी जा रही थी जो शूट किए थे बड़े पैमाने पर, वह भी गाने की उम्मीदें हैं अगले महीने तक उस गाने को रिलीज किए जाएंगे, ऐसी उम्मीदें बता सकता हूं मैं जो फ़िलहाल हमें जो अपडेट मिली थी। साथ ही और भी जो बड़े सिंगर हैं उनके गाने हैं जो आपको लुभाती हुई इंटरटेन करती हुई नज़र आएंगी। तो फिलहाल हमारे पास यही अपडेट है, अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। भोजपुरी इंडस्ट्री से जो भी बड़ी खबरें आएगी फिल्मों को लेकर साथ ही गानों को लेकर, तो हम आपको ज़रूर देंगे। नमस्कार।